जब लाडों में पली बेटियां तकलीफ में हो, चैन से ना हो, तो माओं को कहां सब्र आता। शम्मो बहुत अकलमंद लड़की है और हमें इस वक्त शम्मो को सपोर्ट करना चाहिए। प्राइम वालों के नाम है, मैंने खुद कागजात देखे। जी, हुकूमत की जमीन है वो। जी क्या कह रहे हैं भाई? शम्मो का तलाक हो गई, फिर वो वापस इस घर में आ जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद ऑफिस। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। लुक रोहिल, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। ओके बाय। जमशेद को भेजें। भाई मैं आ जाऊं? भाई मैं आपसे कह रहा था कि पानी के काम में ना बहुत ज्यादा तेजी आई हुई आजकल, और इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं। अगर आप कहें तो मैं इस पे वर्किंग करूं। हाँ करो, लेकिन एक वेल रिसर्च्ड फिजिबिलिटी लेकर आओ मेरे पास। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। भाई बेटा। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। अभी आए थोड़ी देर पहले। लगता है स्कूल में काम बहुत बढ़ गया है। जी बीजान, बच्चों की तादाद ज्यादा हो गई है तो बराबर वाला बंगला भी ले लिया इन लोगों ने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई अल्लाह ताला तुम्हारी मेहनत का समर दे रहे हैं। माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अभी नमाज में तुम्हारे लिए ही दुआ कर रही थी। मैं ठीक हूँ। डैड इज नॉट वेल, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप प्लीज दुआ कीजिएगा उनके लिए। बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाएगा। तुम फिक्र ना करो बेटा, अभी तो उन्होंने अपने नवासी नवासियों को भी देखना है। बेजान, I'm really sorry. मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ पॉसिबल है। अरे बेटा, आप ऐसे थोड़ी मायूस हो जाती है इतनी जल्दी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बा को सेहत अता फरमाएगा, बिल्कुल फिक्र ना करो।
बीजा, मैं डैड की बात नहीं कर रही, मैं अपने और रोहिल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं हम दोनों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ बीजान। मैं समझी नहीं बीजान, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मजीद अब साथ चल सकते हैं। बेटा ये क्या कह रही हो, हम तो इंतजार कर रहे हैं बेटा, हमारी तो सारी उम्मीदें तुमसे वापस थे। अच्छा हमें बताओ क्या बात है, रोहिल ने कुछ कहा है, हमसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं बीजान, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी से कोई गलती नहीं हुई। शायद ऐसा लगता है कि हम दोनों के सितारे नहीं मिल पा रहे हैं। बेटा परेशान मत हो, अभी तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद इसलिए। सच पूछो, हमें तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अंदर कुछ टूट सा गया। नहीं नहीं बीजान, मेरा मकसद आपको हरगिज परेशान करने का नहीं है। I'm sorry, अगर मैं आपको परेशान किया तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने कितनी कोशिशें की हैं कि ये रिश्ता ना टूटे। पेशान आई थिंक मुझे डॉक्टर्स बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूं। खुदा हाफिज। क्या हुआ बीजान, सब ठीक है? क्या कही थी रमशा? पता नहीं क्यों रमशा ने रोहिल से शादी से इनकार कर दिया। अरे नहीं, वो आपस में कोई अनबन हो गई होगी, वक्ती तौर का गुस्सा होगा। अपने वालिद की वजह से वो वैसे भी बहुत स्ट्रेस में है ना, उनकी बीमारी का असर ले लिया है उसने। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। बीजान उसके वालिद के सिवा उसके पास और है ही कौन, है ना? उनकी बीमारी का असर ले लिया इसने, और कोई ऐसी बात नहीं है। बस आप ये बार रोहिल से मत करेगा, दोनों बातचीत करेंगे आपस में, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। लग रहे ऐसे ही हो। ऐसे ही होगा। आए आए, हम बैठे आठ हैं, आए इंशाल्लाह। चलो सही है सब। अच्छा हेलो। हेलो जनाब, कहाँ हैं आप? लंच का प्लान था आज तो, अभी लंच का ही टाइम है, कर लेते हैं लंच। मैं सोच रही हूँ तुम ऑफिस आ जाओ, यहीं कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और मैं तुम्हें रोहिल से भी मिलवाती हूँ। रोहिल से? लेकिन तुम उसको कहोगी क्या कि मैं कौन हूँ? डोंट वरी, तुम्हारा जिक्र हो चुका है, बस ये बताओ कितनी देर में आ रहे हो। तो फिर तुम मुझे आधा घंटा दो, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, आई एम वेटिंग। ओके बाय। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। रेल ये शाम ही रहे, बताया था ना मैंने। और सलाम, कैसा? वेरी वेल, नाइस टू मीट यू, हैव अ सीट प्लीज। आपसे गायबाना तारुक तो था, आज मुलाकात भी होगी। मुझसे मिलना बहुत आसान है क्योंकि मैं दफ्तर और घर के अलावा कहीं नहीं मिलता। दफ्तर में ये साथ हर किसी से नहीं मिलते। क्या मसरूफियात हैं आपकी?
गाड़ियों का छोटा मोटा बिजनेस है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, बस गुजारा हो जाता। अब इतने डाउन टू अर्थ ना बनो, लग्जरी कार्स इंपोर्ट करते हैं शामीर। वंडरफुल, दैट्स नाइस। कुछ पूछो इनसे, चाय कॉफी? मैंने लंच ऑर्डर किया है, तुम भी हमारे साथ चलो लंच करने। I would love to, लेकिन मजीद साहब अकाउंट्स डिपार्टमेंट को यहाँ लेके आ रहे हैं 5 minutes, so I will have to excuse myself out of it. Oh, okay. You carry on. चले? Sure. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। Same. Yeah, I'm really impressed. तुम्हारा ऑफिस, ऑफिस का माहौल, and of course your cousin Rohail, all perfect. Thank you. ये बस मेरी और रोहिल की मेहनत है। हाँ, मगर अब्बू और ताया जान ने इस कारोबार का आगाज किया था, इनफैक्ट उन्हीं की वजह से मार्केट में हमारा नाम है। मगर वक्त के साथ साथ नए आइडियाज, नई सोच की जरूरत होती है, तो हमने देखना शुरू कर दिया। काफी चेंज आ गया, इनफैक्ट अभी आगे और चेंज आएगा। मैं सोच रहा था कि अगर इन फ्यूचर तुम लोग अगर जॉइंट वेंचर करना चाहो तो मुझे बहुत खुशी होगी तुम लोगों के साथ बिजनेस करके। तुम किस किस्म के जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हो? जो तुम सोच रही हो उसमें भी मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करना। यू नो, जब दो लोगों की किस्मत मिलती है तो बिजनेस में बहुत फायदा होता है। मेरा भी यही मानना है। Okay, ये जो हमारे सीईओ रोहेल है ना, इन्हें मुतमईन करना काफी मुश्किल काम। जब तुम जैसी शकी लड़की को मैंने इंप्रेस कर लिया तो तुम्हारे कजिन को काबू करना कौन सा मुश्किल है। और तुम्हें किसने कहा है मैं तुमसे इंप्रेस हुई हूं? नहीं हूं। तो आप बताएं मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं? वही करो जो करते आ रहे। तो आपका ये मतलब है कि मैं रोज इसी तरह आपके ऑफिस आऊं, आपकी तारीफें करूं, आपको लंच पे लेके जाऊं और आपको गिफ्ट देता रहूं? एग्जैक्टली। ठीक है। आप जमशेद की परेशानी ना लें, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। अम्मी, इस वक्त आपकी सेहत हम सबके लिए ज्यादा अहम है, आप प्लीज उस पर तवज्जो दें। बेटा, जब भी बात होती है शमो से हमारी, वो हमेशा हमें परेशान मिली। तो आप बताएं, हम फिक्रमंद ना हो तो क्या हो? और दूसरी तरफ आपके रमशा के दरमियान क्या चल रहा है, ये हमें लग फिक्रमंद कर देता है। रमशा के साथ तो पता नहीं क्या ही चल रहा है अम्मी, शी वियर्ड सा बिहेव कर रही है। से पता ही नहीं चलता कि वो किससे बात करी और क्या बात करी है। खैर, आप छोड़ें, आप बिल्कुल परेशानी ना लें। अच्छा, आप क्या कह रहे थे वो जमशेद के बारे में? जमशेद को एक काम तो शुरू करवा रहा हूँ मैं, लेकिन आखिरी मौका है उसके लिए, लास्ट चांस। आई होप वो कुछ करके दिखा दे इस तक। अल्लाह करे इंशाल्लाह। बेटा, हमारी बेटी का तो मुस्तकबिल उससे वाबस्ता है, क्या करें। चले अम्मी, मैं चलता हूँ। ठीक है, चले जाइए। अल्लाह खैर से जाइए। अल्लाह हाफिज। तो ये समरीन भी ना फोन ही नहीं उठाती, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे यहाँ आबे गुम रखी थी, कहाँ चली गई? आबे गुम? ये किस मजून का नाम है? किससे मैंने क्या कह दिया? आबे गुम एक किताब है जिसके मुसन्निफ मुश्ताक अहमद यूसी साहब हैं। नाम के आगे हकीम नहीं लिखा, सॉरी, जाली हकीम है। ना ही आबे गुम कोई माजून है और ना ही
मुश्ताक अहमद यूसी साहब कोई हकीम थे, वो बहुत ही आला पाए के मजा निगार थे। अच्छा, तो इनकी किताबों से पढ़ पढ़ कर आप सारा दिन हम पे तंज करते हैं। नहीं नहीं, आप पे तंज, आप पे तंज, मैं आप पे तंज करूँ? इस वक्त भी आप तंज कर। मैं बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ। हमें मार्केट जाना, जरा हमारे साथ चलिएगा। चले चलेंगे। आपको पता है हमें तो जेवरात का शौक नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आजकल के फैशन के मुताबिक समरीन के लिए कुछ जेवरात बना लेते हैं। मैं चला चलूंगा, आपको जो मर्जी जो खरीदना खरीद लीजिएगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया जहान की हर चीज ले लूं, ट्रक भर भर के सामान के जाए, अपना दिल का हर अरमान पूरा करूं। जो आपको अपने अरमान निकाले निकालिए, बस असराफ से जरा परहेज कीजिए। जरूरत की हर चीज बिटिया को देने का हक है आपको, लेकिन ये जो गाड़ी भर भर के आपको देने का जो आइडिया है ना, ये दिखावे के जमरे में आता है। मशकूर साहब, हम कुछ कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हम मुकाबलाबाजी कर रहे हैं। ये जो शम्मो को जहेज दिया गया था, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? जो लफ्ज जहेज है ना, से नफरत है हमें, नफरत है मुझे। तो ऐसा करें, नफरत की बजाय जहेज का नाम तोहफे तहाइफ रखते हैं। यहाँ तारी है, निभानी पड़ेगी। मेरी दुआ है कि मुझे ऐसा दामाद मिले कि ये जो तहाइफ है ना, वो लेने से ही मना करते हैं। चाहे वो इनकार कर भी देगा तो हम ये तहाइफ फिर भी देंगे, क्योंकि इसमें हमारी खुशी है। बिल्कुल, जो आपकी मर्जी, जो हुक्म मेरे आका, बस मेरी किताब मुझे ढूंढे, यहीं कहीं रखिए, मुझे ढूंढते, प्लीज ढूंढते, प्लीज ढूंढते। ये यहां पड़ी थी, हमने रखी थी। हेलो रमशा, कैसी हो? हाय समरीन, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरे डैड का ऑपरेशन होने वाला था, हो गया? हाँ यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उनका ऑपरेशन हो गया। कल शाम ही को तो हुआ है, बस आज ही अपने रूम में शिफ्ट हुए हैं वो। शुक्र है अल्लाह का। बस यार, सब इतने परेशान थे पापा की वजह से। मैं खुद जब से अमेरिका आई हूँ ना, मैं इतनी परेशान हूँ, और उधर हॉस्पिटल में इतने मसले हो गए कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। फोन पे फोन आ रहा है कि मैं जल्दी ज्वाइन करूँ हॉस्पिटल। लीव लेकर आई थी ना, तो बस अब लीव्स खत्म हो गई हैं, बुला रहे हैं मुझे। तो क्या तुम वापस आ रही हो? क्या मतलब आ रही हूँ, मुझे आना पड़ेगा। मैं तो बस पापा की वजह से रुकी हुई थी, बस पापा की तबीयत बेहतर हो जाए तो सबसे पहले कराची आऊंगी। रोहिल को बताया अपने आने का? नहीं, रोहिल को नहीं बताया। और तुम्हें भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बार अपने और रोहिल के बारे में फैसला करने आ रही हूँ। बीजान से मेरी बात हुई थी, उनको मैंने सरसरी से बता दिया कि मैं कुछ फैसला करना चाहती हूँ। देखो रमशा, जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ तो सब घर वालों पे रूई ने जादू कर रखा है, जिसे देखो उसके आगे पीछे फिरता है। जब इंसान अपने आप पे कुछ ज्यादा ही एतमाद करना शुरू कर दे ना, तो वो हर शख्स पे भरोसा करना शुरू कर देता है। पहले तो मुझे लगता था कि तुम जो भी कह रही हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं रोहिल पे ट्रस्ट करती थी। मगर अब लगता है कि तुम बिल्कुल सच कहती थी। लेकिन यार, फर्ज करो एक बात है, अगर तुम ये रिश्ता खत्म कर देती हो तो रूही अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी। यही तो वो चाहती है। क्या तुम्हें रूही से हारना कबूल है? हेलो, रमशा, यू देयर? हाँ। नहीं नहीं, समरीन, मैं जब कराची आऊंगी ना, हम तब इस बारे में बात करेंगे। ओके, लेकिन प्लीज मेरी बात पे गौर जरूर करना। ठीक, बीजान को मेरा सलाम देना। ओके, बाय। कितनी दफा अदालत बेगम की अपन ये सोचना छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए सोचना छोड़ दें, मुझे देख अपनी सेहत के ऊपर जोर दें।
वैसे आपने ये खूब कहा कि सोचना छोड़ दें। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान सोचना छोड़ दे? कैसे नहीं हो सकता है, मुझे देखे, मैंने तो सोचना छोड़ दिया कि मुझे मिठाई मना है। मैंने दिमाग में ही बात बैठा ली है कि मुझे मिठाई कभी पसंद भी थी या नहीं। खैर आप ये बात तो रहने दें, आप शर्मिंदा हो जाएंगे इसलिए हम आपको कहते नहीं, वरना हम भी जानते हैं कि फ्रिज में से मिठाई कहाँ जाती है और कौन गायब कर। तो फ्रिज में मिठाई रखना छोड़ देना, वो मिठाई पड़े पड़े जो ना आइसक्रीम बन जाती है, और वो घर में एक वो बना ले, नेमत खाना होता है क्या, वो बना ले। नेमत खाने पे बचपन याद आ गया। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। इनके साथ बाजार जाना किसी मिशन से कम नहीं। एक मिनट जुबैदा, जरा पीछे होइए, तसी कर लें। इनके साथ नहीं, हर औरत के साथ बाजार जाना एक मिशन है। बड़े भैया, आपके भाई के अंदर एक चुड़ैल चिड़चिड़ी औरत रहती। गजब खुदा का, मार्केट में इतना रश, और ऊपर से कोई मिलने आ जाए तो मतलब मैं उसे अलग सेलेक भी नहीं करूं। वो आपसे नहीं मिलने आ रहे थे, आप पकड़ पकड़ के उनसे मिल रही थी और मुझे भी मिलवा रही थी। चिड़चिड़े तो ये हो गए हैं, लेकिन अब किस वजह से हुए ये हमें नहीं पता। बड़े भैया, कहने का मतलब क्या कि हमारी वजह से हुए, ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, नहीं तंग करें ना हमारी देवरानी को, थकी में आई हैं अभी बाजार से। अच्छा हाँ ठीक, आप बताएं बीजन, आपकी तबीयत कैसी है? बस बेहतर है, बल्कि यूं कहेंगे कि अब जैसे हालात वैसी तबीयत। बीजान ना, आपने कुछ खाना है तो हम बना दें आपको। अरे नहीं नहीं, रहने दें, अभी दवा ली है ना तो दिल नहीं। रूही आ जाए तो फिर उनसे कुछ कहते हैं, चाय के साथ अच्छा सा बना लें। वैसे शम्मू आने वाली थी आज। हाँ कह तो रही थी, हो सकता है रात तक दोनों आ जाए। हमने सुना है जमशेद मियां ने दफ्तर में बैठना शुरू कर दिया, सच है? समरीन की हर खबर पे भरोसा कम से कम रखा करें। जमशेद ने दफ्तर में बैठना नहीं शुरू किया है, जमशेद दफ्तर को बिठाने के चक्करों में है। हर बात में मजाक, हर बात में तंज, अब तो बैठना ही महाल कर देंगे। अरे आप ना मशकूर मियां, आप तो बाज आएंगे नहीं। इनकी खटपट से गजला बेगम घर में रौनक रहती है। वो तो सही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक मर्तबा जुबैदा बेगम का मूड खराब हो जाए तो वो फिर महफिल से उठ जाते। अरे इनके मूड की चाबी हमारे पास है, फिक्र ना करें हम। खैर, हम तो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते हैं कि समरीन बिटिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि हमारी देवरानी को सुकून आ जाए, वो सुखी हो जाए। मैं समझता हूँ और हम दोनों को इस बात का एहसास है, लेकिन देखें हर बात का एक वक्त तय है। अब जब अल्लाह राजी होगा तभी होगा ना कुछ। इंशाल्लाह मशकूर मियां, सब बेहतर हो, अल्लाह नसीब अच्छे करेगा समरीन की। इंशाल्लाह। अच्छा हम खुद ही जरा किचन देख लें, रूही तो लगते आज काम से लेट हो गई है। मशकूर मियां से मिले। ये ले बीजान, गरम गरम यखनी है देसी चिकन की, आपको अच्छी लगेगी। वाह वाह भाई, ये तो आपने बेहतरीन काम कर दिया। और अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरी बच्ची आई है, खुश रहो। बीजान कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक है। और भाई हमें क्या होना है, हमारे बच्चे खुश तो हम भी ठीक, हमारी तो दवा है आप सब। सही कह रही हैं आप कैसी हैं रूही? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम लोग इस वक्त आए। तुम्हारा रमशा का जिक्र सुन के बीजान के चेहरे पे अलग सी रौनक होती है। अच्छा वैसे अम्मी, काफी दिन हो गए मेरी रमशा से कोई बात ही नहीं हुई। ओ हाँ बेटा, रमशा को फोन कर लीजिएगा, उनके वालिद का ऑपरेशन हुआ है। ऐसे वक्त में अपनों के दो अल्फाज भी बहुत लगते हैं। जी ठीक है अम्मी, मैं कॉल कर लूंगी उसको। अरे वाह,
यहाँ तो फुल महफिल ऑन है। कैसी हो शम्मू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। कैसे हो पार्टनर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समरीन, ये तुम्हारे पार्टनर कब से बने? अरे यार, हमारे बॉस के खास आदमी है तो जरा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, रोहिल भाई तो मेरे भी बॉस है। होंगे आपके बॉस दफ्तर में, यहाँ घर में सिर्फ हमारे बेटे हैं। मैं बीजान कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ बेटा, जाइए। सीरियसली बीजान, रूही को बिना शाहिदा की तरह सैलरी पे रखे, देखे मेहमानों के लिए कैसे भागती हुई गई है किचन में। समरीन, ये किस किस्म का मुवाजना है? रूही और शाहिदा में? बीजान, मैं तो बस आप जानती नहीं रूही की क्या हैसियत है इस घर में। हमने उसे अपनी बेटी कहा है, जबानी कलामी नहीं, कानूनी हैसियत से हम उसके सरपरस्त हैं। मीप को पता था समरीन की मजाक करने की आदत है। I'm sorry बीजान अगर आपको बुरा लगा, मगर मैंने तो एक आम सी बात कही थी। आप रूही, रमशा, शम्मो, हमारे लिए आप सब एक बराबर हैं। और आप बेटियों के दम से ही इस घर में रौनक है। शमी, बाकी बातें कमरे में चल के करते हैं ना। बड़ा नाम है इनकी कंपनी का, 70-80 करोड़ तो ऐसी मार्केट में ही घूमते रहते हैं। और फिर अपने 4-5 वेयर हाउस हैं इनके, और फिर स्टॉक में इतनी बड़ी साख। रोहिल सिद्दीकी मालिक है इसका, बड़ा ज़हीन बंदा है। और फिर इसके बाप और चाचा की बहुत इज्जत है मार्केट में। वैसे बॉस, आपको इनसे क्या काम पड़ गया? रिश्तेदारी करनी है। नहीं बॉस। अबे मजाक कर, तू कदीर के पास चले जा, 3-4 हैवी बाइक्स उतरवाई हैं। तू जाओ उधर, तेरे कुछ पैसे बन जाएंगे। और सुन, तेरी और मेरी कोई बात नहीं। ओके बॉस, मैं जाता हूँ। ओके। और रोटी लेकर आऊं? कैसी बातें कर रही हैं? थैंक यू सो मच कि आपने घर का गरम खाना खिलाया मुझे। पहले मैंने सोचा कि ऑफिस से मंगवा लेता हूं, फिर मैंने कहा नहीं, घर जाके ही खाऊंगा। हेलो, तुम इस वक्त खाना खा रहे हो? असल में इसका रूही के हाथ के खाने की आदत जो पड़ गई है, मतलब है घर के खाने की आदत। बिल्कुल सही कह रही हैं चचियाना, अब जाहिर है ऐसा गर्म खाना ऑफिस में तो नहीं मिलता। मम्मी देखे ना, आपने मुझे देसी खाने बनाने नहीं सिखाए, अब हमारे किचन पे बाहर वालों की हुकूमत चल रही है। बेटे, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि आपको देसी खाने बनाने आ जाए, लेकिन आपने अंग्रेजी किताबों से पता नहीं क्या अल्लम गल्लम बनाना सीख लिया बस। अल्लम गल्लम? वैसे चचियान, आपका भी जवाब नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब है अपने काम से काम रखो। ओके, आई एम ऑफ, थैंक यू सो मच। मम्मी, मुझे लगता है इसे खाना बनाने के साथ साथ लोगों को काबू करने का भी फन आता है, खासतौर पर मर्दों को।
मेरे बड़ों ने सिखाया कि बड़ों के आगे जवाब नहीं देते, और आप बड़ी हैं मेरी। बहुत तेज है ये। जब पैसे चाहिए हो तो दिन में 10 मिस कॉल्स करते हैं, और अब कॉल करो तो उठाता नहीं। इस आतिफ को कोई काम पे नहीं रखता था। मैंने नौकरी दी, अच्छी सैलरी दी, और अब देखो शूट रख के गायब हो गया। इरिस्पॉन्सिबल, हद होती है। तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। करो यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो शूट को बैकअप करो, तो चलो मेरे साथ कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं। हामी यार, मेरा पहले ही मीटर शॉर्ट हो चुका है, दो मुझे। व्हाट? मीटर शॉर्ट? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ब्रिज के उस पार किसी लौंडे से बात कर रहा हूँ। वो प्रोडक्शन के लड़के ऐसे बात करते हैं तो मेरी जुबान भी खराब हो गई। तुम गुटका बॉयस? नहीं, गुटका, छालिया, सिगरेट कुछ भी अलाउ नहीं। मैं फौरन से सेट से बाहर निकाल देती हूँ। शुक्र है मुझे इनमें से किसी चीज का शौक नहीं। हाँ, शौक है तो अच्छी गुफ्तगू का, वो भी अच्छे और खूबसूरत लोगों के साथ, जैसे कि तुम। मैंने ना तुमसे बड़ा फ्लर्ट आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारा मूड ठीक कर और तुम मुझे फ्लर्ट कह रही हो, तो तुमने वाकई मेरा ठीक कर दी। वैसे यहाँ से तुम ऑफिस जाओगी? अब नहीं, घर जाऊंगी। वैसे वो तुम्हारा सीईओ कजन बड़ा भरमबाज है, लोग काफी मानते हैं उसे। वो तो है, मगर तुम्हें अचानक से रोहिल कहाँ से याद आ? बस यूं ही एक जगह तुम्हारी कंपनी का जिक्र हो रहा था। वो तो है, सिद्दीकी इसका पूरे मुल्क में नाम है। नाम तो हमारा भी काफी है, लेकिन तुम घास नहीं डालते। वो नौकरी मिलने से पहले प्रोग्रेशन पीरियड होता है ना, हमारा वही चल रहा है। अब प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाए। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। चलें? चलो, तुम अच्छा सा खाना खिला दो। वैसे ये प्रोग्रेस बुक में ऐड होगा ना? ज्यादा फ्री ना हो, चलो। भाई आमिर भाई हैं ये, उस वक्त से पानी का कारोबार कर रहे हैं कराची में जब सिर्फ दो चार लोग ही करते थे। हमें भाई पता है ना? बहुत देखे हैं। हमने कटी पहाड़ी के पीछे एक छोटे से इलाके में एक छोटे से प्लांट से काम शुरू किया था। अमोला का करम है, चार बड़े प्लांट है हमारे पास, ठीक है, और वो कमाल के जा रहे हैं। जमशेद भाई ने बताया कि आपको एक नया प्लांट लगवाना है, सोचा मैं खुद आ जाता हूँ, अपना ले ले, चलता हुआ एक रनिंग प्लांट दे देता हूँ आपको, हम नया लगवा लेंगे भाई, हमारे लिए कौन सा मसला है, अपना ही काम है ना। भाई आप चल के विजिट कर लें और मुझे पूरा यकीन है आपको साइट पसंद आएगी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए भाई, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं है कि हम आपको पहना रहे हैं, ये प्लांट पहनाने वाली कोई बात नहीं है। 4,500 की डेली की बॉटल्स की प्रोडक्शन है हमारे पास, 3 बड़े कुएं, 24 घंटे चलता है प्लांट, गोल्डन ऑफर है, ले ले। आप डिमांड भी तो बताएं भाई को। डिमांड क्या बतानी है यार, देखें आगे से एक 75 की आवाज है, अगर आप लोगों के साथ डील बनती है तो कर लेंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलो फिर विजिट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है? ओके हो गया जी। अब आए भाई, कैसी लगी आपको ऑफर? मुझे पूरा यकीन आपको पसंद आई है। भाई देखें, आमिर भाई की एरिया के अंदर सेटिंग है, हमने सिर्फ सेल उठानी। ये मालिक नहीं, एजेंट है। जब तुमने मुझे बताया ना कि तुम आमिर पानी वाले के साथ आ रहे हो, तो मैंने इसका मार्केट में पता करवाया। इन सिंपल वर्ड्स, इज अ चीटर। भाई
भाई मुझे किसी ने मिलवाया, ये मुझे डायरेक्ट प्लांट पे ले गया, तो मैं समझा ये मालिक है। गोल्डन रूल, जल्दी नहीं करते हैं, कारोबार सब्र से किए जाते हैं, तहमल से। समझ आ रही है कि नहीं? खैर मैंने भी एक दो रिलायबल लोगों से बात की है, देखो क्या होता। और जमशेद मायूस मत हो, कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। आओ बिठाओ, आ जाओ। कैसी तबीयत है बीजान आपकी? ठीक है आप? ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी सी नींद दराज थी। तुम्हारे बड़े अब्बू आए तो हाथ से आंख खुल गए। तुम बताओ रोहिल आ गए? जी आ गए थे, खाना खिला दिया मैंने, रोटी भी बनाती थी। ओए मेरी बच्ची, देख रहे हैं आप? खुश रहो बेटा, खुश। काम काज की तो बचपन से ही आदत होती है, क्यों भी जान? हाँ बेटा, ये जो घरेलू काम काज होते हैं ना, बचपन से ही किए जाएं तो आदत में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा हमें सुबह फजर में उठा के किचन में बिठा दिया करती थी। नाश्ता वो खुद ही बनाती थी, लेकिन हमसे छोटे मोटे काम करवा लेती थी, जैसे प्याले रखवा लिए, प्लेट सुलवा ली, पराठे पलटवा दिए। वो हमें पूरा बावर करवाती थी कि नाश्ता हमने खुद बनाया है। ऐसी कोशिश इन्होंने शम्मू के साथ भी की थी, लेकिन उनके काबू में नहीं आई। हाँ तो किसका नुकसान किया? आप दोनों बाहर खाना खाते हैं। तो आप दोनों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बेटा। कुछ आइए हो तो बताइएगा, मैं हिरा के पास जा रही हूँ। रूही पुरानी रिवायतों को बरकरार रखने वाली आखिरी नस्ल से लड़की है। गुजारा भी हूं, ये सारी बातें आपको कुछ अरसे के बाद जाके सिर्फ किताबों में मिली। मेहरबान